अज पंजाब भर के आम आदमी पार्टी को बसपा का विरोध का सामना करना पै रहा है। दरअसल बसपा वर्करा का कहना है कि आम आदमी पार्टी की लीडर अनमोल गगन मान के वालों संविधान को लेकर कथित शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण यह विरोध जोड़ा है वह किया जा रहा है। उन्होंने खिलाफ़ जम के नारेबाजी की गई। अनमोल गगन मान का पुतला तक भी फूकया गया। लुधियाना के अरविंद केजरीवाल और अनमोल गगन मान के खिलाफ़ जम के बसपा वर्करा ने नारेबाजी की। बसपा के वालों अब पूरे पंजाब के 117 विधानसभा सीटों उत्ते प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तस्वीर तुम दिखा रहे हैं लुधियाना के समराला चौंक दियाँ, जिथे कि बसपा के वालों वड्डी गिणती दे विच आम आदमी पार्टी के खिलाफ़ अते आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे अनमोल गगन मान के खिलाफ़ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सो कहा जा रहा है कि जिहड़ी कि अनमोल गगन मान के वालों टिप्पणी संविधान के खिलाफ़ टिप्पणी की गई सी, उसके विरोध में इन्हां वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। सो दूजे पासे जिहड़े कि पुलिस प्रशासन है वह भी मौके पर मौजूद आ। तस्वीर तुम दिखा दें पुलिस प्रशासन भी वड्डी गिणती दे विच इत्थे मौके ते मौजूद ने, अफसर ने वह भी उत्थे मौके ते मौजूद ने, ताजो कोई भी अनसुखा भी घटना ना वापर सके, सुरक्षा के प्रोपर इंतजाम किए गए हैं। सो हत्था दे विच तख्तियां फड़ के बसपा के वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सो पुतले भी फूके जाणगे, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ते अनमोल गगन मान दी फोटो लाइया गई, पुतले भी फूके जाने ने। सो हत्था दे विच तख्तियां लैके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, स्लोगन फड़े हुए ने हत्था दे विच, संविधान विरोधी आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद बसपा। सो गलबात भी कर लें, जो एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिला प्रधान बसपा साढ़े मौजूद ने। प्रधान साहब प्रोटेस्ट कर रहे हो, अज की कारण है? तुम सारे ने सुनिया ही होना कि एक जिहड़ा सोशल मीडिया के उत्ते वीडियो वायरल हो रही है आम आदमी पार्टी की नेता अनमोल गगन की, उन्होंने संविधान के विरोध के बहुत ही कड़े शब्दों के जी बयानबाजी की है, जी कि अति निंदन योग है। जदों के उन्होंने ज्ञान होना चाहिए है कि संविधान बनने तो पहला इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर औरत किस स्थिति में सन। संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने हिंदू बिल कोड लैके आंदा तो औरतों को बराबरता का हक मिलया, इस ही संविधान ने उन्होंने हक दिता बोलन का भी, और इस संविधान हक दिता उन्होंने आजादी मानने का, इस ही संविधान ने उन्होंने हक दिता इस देश के उच्चे तौर पर अहदे के उत्ते विराजमान होने का। तो फिर किहड़े मूँह के नाल उन्होंने संविधान की निंदा की है, जिहड़ा कि बहुत ही घटिया निंदन योग है। मैं समझदा हाँ कि ये पूरी आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि आर एस एस के इशारे पर काम कर रही है, और आर एस एस की शह के उत्ते ही अपने इदा के घटिया बयान दिंदी है। अज केजरीवाल भी जिहड़ा है उन्होंने कोई उसके खिलाफ़ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, और पंजाब का लीडर उन्हों का जिहड़ा भगवंत मान है उन्होंने भी असी क्या हो चेतावनी दिती हुई है कि अगर उन्होंने पार्टी के बर्खास्त नहीं किया तो बहुजन समाज पार्टी बड़े लैवल से संघर्ष फैलाने। उन्होंने वालों माफ़ी मंग ली गई, उन्होंने कहा मैं बाबा साहब अंबेदकर बारे कोई टिप्पणी नहीं की, गलत नहीं की, उन्होंने सगो यह भी कहा कि मैं खुद उन्होंने सत्कार करती हूँ, मेरे घर के भी फोटो लगी है, हालांकि पंजाब के हर घर के उन्होंने फोटो होगी, पर मैं इस बारे कोई गलत टिप्पणी नहीं की, उन्होंने वालों माफ़ी मंग ली गई। ये किस तरह कह सकते उन्होंने गलत टिप्पणी नहीं की, जदों के सोशल मीडिया से बेशुमार चल रही उन्होंने पोस्टा जिद इन्ना गलत बोली है संविधान के बारे च, और एक माफ़ी मंग लेना एक पढ़ा लिखा नौजवान जी औरत समझ होनी चाहिए भी की बोलन जा रही है, और फिर वो ये माफ़ी मंग लेने के नाल गल नहीं बननी है, क्योंकि असं ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उन्होंने पार्टी के बर्खास्त करे, फिर उन्होंने एहसास होना चाहिए कि उन्होंने किड्डी वड्डी गलती की। और किस तरह की मंग करते किस तरह की कार्रवाई उन्होंने की जानी चाहिए? असं चाहते असी तो थानू पहले ही दस दिता कि जी आम आदमी पार्टी चाहिए है कि अनमोल गगन को जिहड़ा है पार्टी चो बर्खास्त करे, और असी सरकार कोलों मंग करते हाँ कि इन्हें संविधान के विरोध के जिहड़ा एडे वड्डे लफ्ज़ वरते आ संविधान के खिलाफ़, और ये खिलाफ़ जिहड़ा देश द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए है, यह बहुजन समाज पार्टी की मंग है। सो बसपा वालों मंग की जा रही है कि जी अनमोल गगन मान है उन्होंने उत्ते जो सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए है, और उन्होंने खिलाफ़ मुकदमा जो दर्ज किया जाना। कुछ होर भी लोग साढ़े मौजूद गलबात कर लेने, अब प्रोटेस्ट कर रहे हो, की कहना वा? देखो जिहड़ी गगन मान ने एक टिप्पणी की आ संविधान लैके, ये बहुत ही निंदक योग आ, और बहुत ही घिनौनी गल्लां जिहड़ियां ये कर रहे आ, बहुत गलत गल आ। हुण भगवंत मान भी पिछले दिन जे ये भी कोई वधिया काम नहीं कर रहे, सारयां नूं पता भली भांति जिहड़ी गगन मान ने गल कही आ, ये अपने लफ्ज़ वापस लवे, यही सारयां दी इक मंग आ।
कि बाकी प्रधान साहब तुम दस ही दिता वा क्योंकि ये चीज़ा बहुत जरूरी है। देखो संविधान में लैके संविधान बारे जानते की है, ये भी गल हैगी ना, संविधान जानते भी है कि आ, पर टिप्पणी वापस लवे जी। सो बसपा के वालों मांग की जा रही है कि जी अनमोल गगन मान के वो टिप्पणी की गई है, वो खिलाफ़ उन्होंने पार्टी बरखास्त किया जाए और उसका मुकदमा जोड़ा कि दर्ज किया जाए। सो इस तहत अच्छ पूरे पंजाब के बसपा के वालों वही गिनती के जेड कि प्रोटेस्ट ने किए जा रहे हैं और मांग की जा रही है अनमोल गगन के मां सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन पवन लाल, इमर सिंह दिगपाल, दैनिक सवेरा, लुधियाना। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी और काली शक्तियां की मालकन दुनिया का सब तो चमत्कारी इल्म मेरे को है। मेरे किते कोई कट नहीं सकता। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक बस की गल नहीं। परेशानी जिमें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत, नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुम्हारी किस्मत च लॉटरी का योग है ज नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावे 649 हो लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी का हल घर बैठे। अष्टाम पेपर से लिख के लवो कम की गारंटी, जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो। तो हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।